देश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाली मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने झंडे लहराने की तमाम मुमकिन कोशिश कर रही है। बात की जाए जोगेश्वरी पूर्व वार्ड क्रमांक 73 के कांग्रेस उम्मीदवार नितिन सावंत का मानना है, पिछले 5 वर्षों से जोगेश्वरी में विकास का एक भी काम नहीं हुआ है, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो या फिर नारी सशक्तिकरण का। नितिन सावंत का मानना है कि समाज को युवा और शिक्षित उम्मीदवारों की सख्त जरूरत है। हालांकि देखना ये होगा कि जनता उनको कितना समर्थन देती है। इस चुनाव में मुद्दे तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट जैसी कोई भी चीज नहीं हुई है। डेवलपमेंट मतलब बिल्डिंग ही नहीं, यहाँ पे गटर, लादी, नाला, जो लोगों की रोज की आवश्यकता रहती है उस चीज़ का कोई काम है 10 से 15 साल में कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने यहाँ पे काम किया है, मैं इसके पहले देखा हमारे जो इलेक्शन में मैं घूमता था कार्यकर्ता के इसमें, तभी लोग पूछती थी कि हम कांग्रेस को वोट क्यों दें, तो वो मेरे दिमाग में था। और मैं यहाँ पे अभी यूथ कांग्रेस का असेंबली प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने यहाँ पे लोगों की काफ़ी दिक्कतें देखी। यहाँ पे जो कॉरपोरेट अभी थी शिवसेना से, उन्होंने 5 साल कुछ भी काम नहीं किया, तो मैंने भाई जगताप जी जो MLC है उनका फंड लाके, गुरुदास जी कामत जो हमारे MP थे उनका फंड, और काफ़ी दिल्ली के MP जो राज्यसभा मेंबर और विधान परिषद आमदार उनके फंड लाके मैंने यहाँ पे काम किया। उसका छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो एक उनके ही जो चाली में रहे थे उनके टॉयलेट का काम अभी नगर सेवी का, उनके टॉयलेट का काम मैं कर रहा हूँ। वार्डवासियों को एक संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एक 20-25 साल से यहाँ पे शिवसेना की सत्ता है, MLA MP कॉरपोरेटर सब शिवसेना के होते हुए यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट में नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोगों को बदलाव चाहिए, मैं देने की जरूरत नहीं, लोगों को खुद को ही चाहिए। लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ पे अभी चेंज चाहिए, और जो हम लोग का प्रचार चल रहा है उसमें मुझे पता चल रहा है लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है कि हमारी जीत पक्की है।